हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में इस ग्लेंडर मशीन को बनाएंगे, जिसकी मदद से दोस्तों हम इस चक्कू को नया कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों दुकान के जैसे कर सकते हैं, और दोस्तों हम इसको धारदार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी मशीन को बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम आज का इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे लोग देख सकते हैं, ये 575 डीसी मोटर है, 12 वोल्ट, ये दोस्तों हैवी मोटर है। और दोस्तों, हम मैं इसके ऊपर जो पीवीसी पाइप होता है उसको चढ़ा लिया हूँ, आपकी मर्जी हो तो आप चढ़ा सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप इसको चढ़ा लेंगे तो अच्छा लगेगा। और दोस्तों, हमें एक और पीवीसी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि दोस्तों हमें इसको इस तरीके से काट लेना है, ताकि ये जो दोस्तों हमारा मोटर दिख रहा है इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से फिक्स हो जाए। और दोस्तों, हमें इस तरीके से कट कर लेना है। दोस्तों, हमें एक गोल पीवीसी पाइप को कट कर लेना है, जो कि दोस्तों आप सिलू देख सकते हैं, ये गोल है, और ताकि दोस्तों ये हम इसको इसमें लगा सकें अच्छे से, और दोस्तों ये घूमेगा तो हम दोस्तों किसी भी चीज़ को ताकि आसानी से कट कर सकें। तो दोस्तों, फटाफट हम इसको बनाते हैं। दोस्तों, हमें इसको बनाने के लिए इसको हम इस तरीके से एक ऐसे जो रेक मार होता है इसको ले लेना है। इसको तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, आप सभी लोग, ये हमारा जो रेक मार इसको बोलते हैं, क्या पता आपके उधर कुछ और भी बोलते हैं। ये दुकान पे दोस्तों आपको 10 रुपये का इतना बड़ा मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से दोस्तों ले सकते हैं। वैसे तो मेरे इधर दोस्तों सस्ता मिला। हमें दोस्तों इसको ये नाप का इस तरह से लगा करके दोस्तों हमें यहाँ पे मार करके इससे इस तरीके से निशान लगा लेना है। इस तरह दोस्तों निशान लगा लेने के बाद हमें दोस्तों यहाँ से इसको कट कर लेना है, जो हमारा दोस्तों फालतू है। कट जा, इसको हमें दोस्तों इस तरीके से काट लेना है। अब दोस्तों, हमें इसको इस तरीके से काट लेने के बाद ये देख सकते हैं, हमें दोस्तों इसको ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, हम इसको यहाँ पे इसको इस तरीके से इसके नाप का पूरा अच्छे से काट लेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। ओह कबाड़ दोस्तों, हमें इतना हो रहा है। तो दोस्तों, हमें एक और लेना है, जो कि दोस्तों हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, छोटा सा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको इस पर चिपका लेंगे फेविक्विक की मदद से। दोस्तों, आप किसी और चीज़ की मदद से भी चिपका सकते हैं, वैसे तो मैं फेविक्विक की मदद से ही चिपकाऊंगा इसको। हम इसको इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। दोस्तों, इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। और दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हमें दोस्तों इसको भी इसके नाप का काट लेना है। और दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना कंफर्टेबल, और दोस्तों ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों, हम दूसरे काम पे आते हैं। तो दोस्तों, हमें ये जो हमारा पाइप दिख रहा है, हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों, हमें इसको लगाने के लिए फेविक्विक की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हम इसको यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। और दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट इसको हम दोस्तों, ताकि इसको हम पकड़ के इस तरीके से किसी चीज़ को साफ कर सकें, मतलब कि दोस्तों लोहे को। और दोस्तों, हमें इसके नाप का एक और पीवीसी पाइप को इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कैमरे में। और दोस्तों, अब हम इसको यहाँ पर इस फिक्स करेंगे। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर पहले फेविक्विक को ऐसे लगा लेना है, जैसे मैं दोस्तों लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लगाना है। अब दोस्तों, हम इसको इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ये देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये पूरा चिपक गया, और दोस्तों ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों, हम तीसरे स्टेप पे इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। इसके अंदर लगाएंगे कैसे, वो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसके जो एकदम पॉइंट में यहाँ पर हम एक होल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एकदम बीच पॉइंट में हमें एक होल करना है। तो दोस्तों, मैं फटाफट होल को करके इसमें लगा के आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, हमें यहाँ पे होल इस तरीके से करना है। और दोस्तों, ये देख सकते हैं एकदम बीच में होल है। अगर थोड़ा बहुत देर दोस्तों इधर उधर हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर होल कर लेने के बाद ये वाला एक होल है, तो हम दोस्तों यहाँ पर इस अपने मोटर को इस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों, हमें इसको इस तरीके से नहीं लगाना है, इसको हमें यहाँ पर अच्छे से लगा लेने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर
फेविक्विक को इसको इसके ऊपर लगाएंगे। दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर रखना है और दोस्तों हमें इसमें फेविक्विक को लगाना है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। इस तरीके से दोस्तों हमें लगाना है। दोस्तों हम इसमें 12 वोल्ट का एक चार्जर लगाएंगे और दोस्तों ये पूरा बैलेंस हो चुका है। दोस्तों हम इसमें एक 12 वोल्ट का चार्जर लगाएंगे, ये आप सब लोग देख सकते हैं 12 वोल्ट का चार्जर है। ये जो हमारा दोस्तों माइनस वाला है इसको हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे, इसको हम अंदर से लगाएंगे। ये हमारा माइनस वाला है तो दोस्तों हम इसको इसके अंदर से ले जाते हुए लगाएंगे। इसको दोस्तों हम अच्छे से अंदर से ले जाते हुए इसको लगाएंगे, जैसे कि मैं दोस्तों लगा रहा हूँ। दोस्तों हमें इस तरीके से लगा लेना है, जो कि दोस्तों प्लस वाला था प्लस में और माइनस वाला था माइनस में। और दोस्तों मैं स्विच नहीं लगाया हूँ, अगर आपको स्विच लगाना है तो आप लगा लीजिए यहाँ पर, ताकि आपके लिए काम आएगा, क्योंकि दोस्तों स्विच रहेगा तो हम इसको यहीं से बंद ऑन कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये मेरे काम में आएगा, लेकिन दोस्तों मेरे को स्विच की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं दोस्तों नहीं लगाया। आप दोस्तों लगा सकते हैं इसमें स्विच। अब दोस्तों चलिए हम इसका शानदार टेस्टिंग आपको करा के दिखाते हैं। अब दोस्तों मैं इसका टेस्ट कर दूं इस कैंची पे, आप देख सकते हैं ये कैंची कैसे है, और मैं इस कैंची को एकदम धार धार करके दिखाऊंगा दोस्तों। अभी दोस्तों ये देखेंगे, ये चालू हो गया, ये देख सकते हैं दोस्तों, अब ये देखेंगे।